को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, वो जाने उनका काम जाने, ये आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। यानी जो कीरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है। और मोदी एक और काम कर रहा है, जो बेईमानी करता है, उसे उसके पाप की सजा देने के लिए भी उतना ही काम करता है। आप मुझे बताइए, बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित कर करके सजा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में वंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। क्या किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? याद कीजिए वो दिन जब कोरोना का कालखंड था, कोविड था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी, हर किसी के मन में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे।
कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा। मां की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा, बल्कि बंड छको यानी गरीबों की थाली के लिए दे दिया। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में खाना मिल रहा है तो आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसके खाते में जाएगा? जरा जोर से बताइए, पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पीछे वाले बताएं, पुण्य किसके खाते में जाएगा? आप सबका जवाब गलत है। ये पुण्य मोदी के खाते में नहीं, ये पुण्य आपके खाते में जाएगा जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है। आपने मोदी को बिठाया इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है, और इसलिए इस पुण्य के हकदार आप हैं। आपके एक वोट के कारण ये पुण्य का काम हो रहा है, और इसीलिए आपका पुण्य और बढ़े, आपको भरपूर आशीर्वाद मिले, इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमने टैक्स के पैसों से गरीबों को पक्के घर बना करके दिए, और अभी मुझे हेलीपैड पर कुछ साथियों से बात करने का मौका मिला। वो कह रहे थे, ये पक्के घर जिनके हक बनता था उनको हक दिलाने की रजिस्ट्री भी यहां